जादूगर का जादुई बैम्बो बास्केट जेल स्किप। विदर्भा नामक गांव के एक जंगल में एक तांत्रिक हुआ करता था। एक बार उसके पास थोड़े चोर आए। उस तांत्रिक से एक चोर, देखो तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है कहकर तुम्हारे आदमी डुम्बू ने हमें बताया तुम्हें जितना चाहे उतना पैसे देंगे, मगर तुम्हें जेल में मौजूद हमारे गुरु गब्बर को बाहर लाना है। उसे लाए तो हम जी भर करके लूट सकते हैं। कहा तो वो मांत्रिक, देखो राजा मैं बड़ा तांत्रिक नहीं हूँ, मगर मेरे गुरु जी से छोटे मोटे मंत्र तंत्र सीखा हूँ। थोड़े दिनों के बाद मैं बड़ा निकम्मा हूँ कहकर पता चल के वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए, मगर आपकी मदद मैं कर सकता हूँ। मेरे शक्तियों के द्वारा दो टोकरियों को शक्तियाँ दूंगा। उन दोनों बांस के टोकरियों में से एक टोकरी को यहाँ पर रखकर दूसरे टोकरी को किसी भी तरह आप उस जेल को भिजाइए। वहाँ पर मौजूद टोकरी के नीचे आपका आदमी घुसा तो यहाँ पर मौजूद टोकरी के नीचे वो प्रकट होगा। उसके बाद आप जितना चाहे उतने चोरी लूट मार सब कर सकते हैं। चोरी होने के बाद किसी को शक ना हुए जैसे फिर से जेल में जा सकते हैं, मगर एक शर्त है, आपको मिले पैसों में से मुझे आधे पैसे देने होंगे। कहा तब वो लोग ठीक है कहकर खुशी खुशी मान गए। बाद में वो मांत्रिक दो बांस के टोकरियों को मंगवा कर उनपे अच्छे से मंत्र डालकर थोड़े दिन उनकी अच्छे से पूजा करके बाद में एक टोकरी को अपने पहचानत के एक सब्जी वाले के द्वारा सब्जियों के वैन में डाल के जेल को भेजा दिया। बाद में पूरी बात एक सेंट्री के द्वारा गब्बर तक पहुंचाया। ऐसे एक बार गब्बर एक टोकरी के नीचे छिप गया। बस अचानक से गब्बर उस टोकरी में से जंगल में मौजूद अपने आदमियों के पास उस मांत्रिक के सामने प्रकट हुआ। ये देखकर उसके आदमी तालियां मारे। बाद में वो फिर से उस टोकरी के नीचे घुसा और वो फिर से जेल में प्रकट हुआ। उसके बाद फिर से उस टोकरी के नीचे जाकर अपने आदमियों के पास प्रकट हुआ और तब से गब्बर आए दिन रात के समय टोकरी के नीचे से दूसरे टोकरी में बाहर आना, फिर जाकर बड़े बड़े गहनों के दुकान और घरों में चोरी करना, ये सब चलने लगा। ऐसे थोड़े दिनों के बाद पुलिस वालों को गब्बर के अंदाज में फिर से चोरी होना हैरान कर दिया। अब पुलिस वाले आकर जेलर से गब्बर पे निगरानी रखने के लिए बोलकर चले गए। एक बार गब्बर बाहर अपने अंडरग्राउंड डेन में नाचते हुए खूब मस्ती कर रहा था। तब तांत्रिक वहां पर आकर, भाइयों 3 महीने हो गए, आप लोग खूब पैसे कमाए, मेरे हिस्से के पैसे दिए तो मैं चले जाऊंगा। कहा तब गब्बर कहकर खूब हंसकर, क्यों तांत्रिक इस गब्बर से पैसे पूछोगे, मेरे चेले तुम्हारे बारे में बताए, देखो मैं किसी को भी पैसे नहीं देता, मैं एक घूसा मारा तो जमीन में दब जाओगे, मेरे डोले देखे ना, वैसे तुम्हें छोटे मोटे मैजिक ट्रिक्स आते हैं ना, जाओ जाकर बच्चों के साथ सर्कस चलाओ। कहा गब्बर के चेले गब्बर से उसे पैसे दो कहकर बहुत कहने के बाद भी वो उनकी बात सुने बिना उन्हें भी बहुत मारा। बाद में मांत्रिक गुस्से से बाहर आ गया। बाद में अच्छे से सोचकर बाहर मौजूद उस टोकरी में घुसकर जेल में मौजूद टोकरी में से बाहर आया और जेलर से जाके मिलकर पूरी बात बताया। ये सुनकर जेलर आश्चर्य में पड़ गया और अपने सेंट्रियों को बुलाया। एक एक करके सब उस टोकरी के नीचे घुसकर गब्बर के उस डेन के पास पहुंचे। बाद में गब्बर के डेन के अंदर गए। वहां पर डांस कर रहा गब्बर इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया।
जेलर गब्बर और उसके गैंग को पकड़कर खूब मारकर उन्हें अरेस्ट करके बाहर भेजा दिए। बाद में उस अंडरग्राउंड डेन में जेलर तांत्रिक से, देखो इन पैसों में से तुम और मैं आधा आधा बांट लेंगे और फिर कभी ऐसे टोकरी वोकरी के चमत्कार मत करना। अब उस गब्बर के साथ साथ उसके आदमी भी जेल में सरते रहेंगे क्योंकि वो लोग कहां पर है कहकर किसी को पता नहीं चलेगा। कहकर वो भी बाहर आकर उस टोकरी में से जेल को पहुँचा। बाद में लालच के चलते उन्हें भी जेल में डलवाने के लिए गब्बर को उसके आदमी मिलकर खूब मारे।